विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। क्या हुआ मामी, आप किसे ढूंढ रही हैं? आज तो आपने मेरा स्वागत भी नहीं किया, मुझे भीतर भी नहीं बुलाया, मुझे दुलार भी नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं स्वयं आ जाता हूँ। वैकुंठ मेरे लिए पराया थोड़ी है, ये तो मेरा भी निवास है ना। स्वामी, वाह वाह मामी जी, वाह। इतनी अच्छी सज्जा, किसी अतिथि की प्रतीक्षा कर रही है मामी जी। कौन आने वाला है? ये सब सजावट किसके लिए है? हाँ वो मेरे लिए। समझ गया, ये सब आपने मेरे लिए ही किया है। धन्यवाद मामी जी। गणेश, वाह मामी जी, आज तो बड़ा विशेष स्वागत हो रहा है मेरा। इतने सारे, इतने स्वादिष्ट पकवान, आहा, आनंद आ जाएगा। आप अपने हाथों से खिलाएंगी ना मामी जी? आइए ना मामी जी, मुझे भोजन परोस दीजिए ना। ओहो मामी जी, पुत्र वो वाह वाह, ये लड्डू, वाह मामी जी, इतने स्वादिष्ट मिष्ठान। ये गाजा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये भी बहुत स्वादिष्ट है। ओहो मामी जी, खीर भी है, स्वयं आपकी पकाई हुई ना। गणेश, ये सब मैंने अपने पुत्र के लिए। मामी जी, ये खीर तो शरद पूर्णिमा की खीर जितनी स्वादिष्ट लग रही है। ये अपने हाथों से मुझे खिलाइए ना। लो गणेश। आनंद आ गया मामी जी, इतनी स्वादिष्ट खीर है, जैसे आपने इसमें अपनी सारी ममता की मिठास घोल दी हो। इतनी विशेष है ये। किंतु पुत्र, तुमने तो मुझे वचन दिया था कि मेरे पुत्र के। गणेश, 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 मामी जी, खिलौने भी कितने सारे हैं, किंतु मैं तो अब इनसे नहीं खेल सकता ना, बड़ा हो गया हूँ ना। किंतु मामी जी, ये तो बहुत। गणेश, ये तो मेरे पुत्र के। वाह मामी जी, इतने सुंदर वस्त्र, बहुत अच्छे लगेंगे मुझ पर। वाह, इतने अच्छे वस्त्र, किंतु थोड़े छोटे हैं। गणेश, ये भी तो। कोई बात नहीं, छोटे हैं तो क्या हुआ, मैं पहन लूंगा। वाह मामी जी, ये कंगन तो सबसे अद्भुत है, ये तो मुझे आ जाएंगे। अब तो गणेश की दृष्टि इस पर भी पड़ गई, ये भी ले लिया तो मेरे पुत्र के लिए क्या बचेगा। गणेश, गणेश, ये तो मेरे पुत्र के लिए है। प्रभु मयूरेश्वर रूप में हमें वचन दिया था तुमने कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिसे सदा मेरे साथ पूजा जाएगा। ये सब तो मैंने उसी के लिए किए हैं, और ये कंगन
ये कंगन भी उसी के लिए है। गणेश गणेश, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं सहन कर सकती। मुझे बताओ वो कहाँ है और तुम अपना वचन कब पूर्ण करोगे गणेश? मैं उसी के लिए तो आया हूँ मामी जी। तो शुभ कार्य में विलंब क्यों गणेश? मुझे शीघ्र अपने पुत्र से मिलवा दो ना। अच्छा मामी जी, तो अब आप मेरे साथ आइए। मामी जी, तो आप अपनी आंखें तो बंद कीजिए। अब आंखें खोलकर देख लीजिए अपने पुत्र को, वो तो आपके सामने ही है माँ। कैसा परिहास है गणेश, मेरा पुत्र कहाँ है? मैं ही आपके पुत्र रूप में आया हूँ मां। कब से आपको मामी कहकर पुकार रहा हो? मामी में पहले तो माँ ही आता है ना, मामी जी। किंतु अब मामी नहीं, माँ कहकर पुकारूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं ही आपका दत्तक पुत्र बनने आया हूँ। आप मुझे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगी ना माँ? आइए ना मामी जी, मुझे भोजन परोस दीजिए ना। वाह मामी जी, ये कंगन तो सबसे अद्भुत है। पुत्र, मेरा पुत्र। पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो। अवश्य स्वीकार करूंगी पुत्र, आज से तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारी माँ। तब मुझे अपनी गोद में बैठने दीजिए ना माँ। हाँ पुत्र, क्यों नहीं। बधाई हो गणेश की माँ। सुनती है गणेश की माँ, कहाँ है आप? प्रणाम माता। मैं आपको प्रसन्न देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ गणेश की माँ। हाँ देवी पार्वती, गणेश अब मेरा दत्तक पुत्र है, इसलिए इस पर आपका जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी। अवश्य देवी लक्ष्मी, आपने गणेश को दत्तक रूप में स्वीकार कर मुझे भी अपने शाप की ग्लानी से मुक्त कर दिया, क्योंकि उसी के कारण तो मुझे वरदान मिला। स्वयं मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश मुझे पुत्र रूप में मिले। गणेश को पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई देवी, मैं धन्य हो गई। धन्य तो अब ये संसार होगा देवी लक्ष्मी, जब माँ और पुत्र अर्थात देवी लक्ष्मी और प्रथम पूज्य गणेश की पूजा दीपावली के शुभ अवसर पर एक साथ होगी। उससे गणेश की शुभता और लक्ष्मी की समृद्धि प्राप्त होगी। दीपावली के शुभ अवसर पर एक साथ होगी, उससे गणेश की शुभता और लक्ष्मी की समृद्धि प्राप्त होगी।
नाम श्री हरिनारायण। प्रणाम माता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तु ते। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आंख देत कोड़िन को काया बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल की जय सेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी कामना को पूर्ण करो जग बलहारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी कामना को पूर्ण करो जग बलहारी। कल्याण इस मनोहारी दृश्य से किसका जी भर सकता है? किसी का भी नहीं। माँ और पुत्र को एक साथ देखकर अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है। जी करता है कि देखते ही रहूं, किंतु विवश हूं, जाना होगा। आज्ञा दीजिए देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी दुखी मत होइए, आपको आपकी ममता से कोई वंचित नहीं कर सकता। और अब तो विघ्नहर्ता स्वयं आपके पुत्र हैं, तो निश्चिंत रहिए। जब तक आपका मन हो तब तक आप अपने पुत्र को अपने साथ वैकुंठ में रखिए। मेरा परम सौभाग्य है माँ, जो मुझे दो दो माताओं का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं तो सदा अपने पुत्र पर प्रेम और वात्सल्य की वर्षा करना चाहती हूँ, अधिक से अधिक समय उसके साथ बिताना चाहती हूँ, किंतु किंतु क्या प्रिय? किंतु स्वामी, मुझे अभी स्वयं कुछ समय के लिए जाना होगा। पुत्र गणेश के साथ से कुछ अवधि के लिए वंचित होना होगा, बस यही दुख है मुझे। क्यों देवी लक्ष्मी, इससे अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? मेरा प्राण
जो मैंने कुछ समय पूर्व लिया था कि जब मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त होगा तब मैं 3 महानतम साध्वियों के हल्दी कुमकुम के लिए यात्रा करूंगी। यात्रा? इसमें दुख की नहीं माँ, सुख की बात है, आनंद की बात है। हाँ पुत्र, तुम तो अभी मुझे मिले हो और तुमसे मुझे दूर होना होगा। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से दुलार भी नहीं किया। नहीं माँ, आपको मुझसे दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। साध्वी माताओं के दर्शन करने जाना तो तीर्थ के समान है और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाना पुत्र का कर्तव्य होता है। तो मैं आपका पुत्र होने के नाते आपको इस यात्रा पर ले चलूंगा। हाँ माँ, मैं साथ चलूंगा तो आपका समय मुझे 3 साध्वी माताओं की कथा सुनाने में कट जाएगा। आप मुझे ये कथाएं सुनाएंगी ना माँ? अवश्य। देखा आपने देवी लक्ष्मी, आपका पुत्र गणेश कितना चतुर है। इसकी चतुराई आपको सुख प्रदान करेगी और आपको गणेश से दूर नहीं जाना होगा और वो आपकी यात्रा की तैयारी करवाने में भी आपकी सहायता करेगा। हाँ माता, अवश्य करूँगा ना। माँ? हाँ पुत्र। माँ, मैंने कह तो दिया मैं आपको हल्दी कुमकुम करने लेकर जाऊंगा, किंतु ये तो मुझे पता ही नहीं कि हल्दी कुमकुम होता कैसा है। बहुत सरल है समझना पुत्र। हल्दी और कुमकुम का लेप होता है जिससे मुझे 3 साध्वियों का तिलक करना होगा और उन्हें सुहाग की सामग्री जैसे कि मांग टीका, सिंदूर, काजल, कंगन, पायल, लाल वस्त्रों का जोड़ा उन्हें भेज कर उनसे उनका आशीर्वाद लेना है और उनके परम सौभाग्य की कामना करना है। लीजिए माँ, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। अरे पुत्र, तुमने क्यों पोटली उठा ली? माँ, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना और पुत्र के होते माँ को भार उठाना पड़े ये तो अनुचित होगा ना माँ। अब मैं तैयार हूँ, चलिए माँ। अच्छा, माँ और पुत्र मिल गए तो दोनों मुझे भूल ही गए। नहीं नहीं, हम तो आशीष लेने आपके पास ही आ रहे थे। मैं आपको आशीष देता हूँ, आपकी यात्रा सफल होगी। पुत्र गणेश, अपनी माता का ध्यान रखना। ठीक है, अब शीघ्रता कीजिए माँ, चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। अपनी संतान के साथ यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। माँ, आप तो शांत हो गईं। पहले ये तो बताइए हम किन साध्वी माताओं के पास जाने वाले हैं? जिन साध्वी देवियों के पास हम जाएंगे उनका नाम है देवी सावित्री। आप मेरे पति की आत्मा को नहीं ले जा सकते यमराज। देवी सुमति, अपने पति धर्म की तपोबल को आधार बनाकर सूर्य देव से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हो। किंतु सर्वप्रथम हम जाएंगे गुरु माता देवी अरुंधति के आश्रम। वही ना माँ, माता अरुंधति, उन्होंने दोनों भाभी माँ, भाभी देवसेना और भाभी वल्ली को विवाह के बाद तारे देखने को बोला था। हाँ पुत्र। किंतु माँ, माता अरुंधति ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें इतनी प्रतिष्ठा मिली कि एक तारा उन्हीं के नाम पर है और वो भी सप्त ऋषियों के इतने निकट? प्रेम भाव संसार में सबसे श्रेष्ठ भाव होता है और पति पत्नी के संबंध में परस्पर प्रेम के साथ त्याग की भावना भी जुड़ी होती है। देवी अरुंधति के मन में अपने पति के प्रति अद्भुत प्रेम था जिन्हें पाने के लिए उन्होंने अथक तपस्या की, त्याग किया, यहाँ तक कि पुनर्जन्म भी लिया और उनके
पवित्र प्रेम के फल स्वरूप उन्हें यथोचित पुरस्कार भी मिला। तब तो मुझे उनकी कथा सुनाइए ना माँ। आओ पुत्र, उनके आश्रम की ओर जाते जाते मैं तुम्हें उनकी कथा भी सुनाती हूँ। देवी अरुंधति की कथा का आरंभ उनके पिछले जन्म से होता है, जब उनका जन्म प्रभु ब्रह्मदेव की मानस पुत्री के रूप में हुआ था। अकल्पनीय, अति सुंदर। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव, हे महान सृष्टि रचयिता, मैं भी आप ही की रचना हूँ, आपकी मानस पुत्री हूँ। कृपा कर मुझे मेरा नाम दें और मुझे ज्ञान प्रदान करें। सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता, दोनों का अद्भुत समन्वय है तुम्हारी सौम्यता में। तुम्हें एक ही नाम दिया जा सकता है, वो है संध्या। वो है संध्या। धन्यवाद पिताश्री। नाम तो तुम्हें प्राप्त हो गया पुत्री संध्या, बात रही ज्ञान की, वो तो तुम में पहले से ही है, उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है पुत्री। तो पिताश्री, मुझे उस ज्ञान को जागृत करने का उपाय बताने की कृपा कीजिए। पुत्री, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना जीवन सार्थक नहीं। ज्ञान, ध्यान, धैर्य और कर्म सब कुछ गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें उचित गुरु का चयन करना होगा। किंतु मैं अपना गुरु कैसे ढूंढूंगी? और यदि मैंने उन्हें पहचान भी लिया, उनका चुनाव भी कर लिया, तो क्या वो मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? जिस प्रकार शिष्य उचित गुरु पाने की कामना रखते हैं, उसी प्रकार गुरु भी योग्य शिष्य पाने की लालसा रखते हैं। तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले गुरु कोई ब्रह्म ऋषि ही होंगे, जो अनेकों में भी तुम्हें पहचान लेंगे और तुम भी उनके निकट जाने पर उनकी दिव्यता से प्रभावित होकर एक पल में उन्हें पहचान लोगी। धन्यवाद पिताश्री। कौन थे वो ब्रह्म ऋषि जो देवी संध्या के गुरु बनने वाले थे? वो जो श्री हरि नारायण के समान तेजस्वी है, प्रभु ब्रह्मदेव के समान वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता हैं और सादगी में महादेव के समान हैं, दिव्यता के सागर हैं, सर्वथा अनूठे हैं ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ अपने ध्यान में लीन थे और माता संध्या ब्रह्मदेव का आशीष पाकर अपने सद्गुरु को ढूंढते हुए बृहल लोहित सरोवर के तट पर पहुंच गई। परंतु अभी भी उनसे कोसों दूर होने पर भी माता को अपने गुरु का यानी कि ऋषि वशिष्ठ का आभास हो गया। कितना अद्भुत और दिव्य वातावरण है। यहाँ पहुँचते ही मेरा मन का झुकाव ध्यान समाधि की ओर जाने लगा है।
दिव्य और अद्भुत स्पंदन है यहाँ। ये किसके दिव्य जाप का प्रभाव है? तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले गुरु कोई ब्रह्म ऋषि ही होंगे, और तुम भी उनके निकट जाने पर उनकी दिव्यता से प्रभावित होकर एक पल में उन्हें पहचान लोगी। गुरुदेव, आपकी शिष्या ने आपको पहचान लिया। ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ के दिव्य आभा का ऐसा प्रभाव हुआ उन पर कि माता के मन का रुझान ध्यान और समाधि की ओर ही हो गया। वो गुरुदेव की दिशा में बढ़ती ही चली गई। उन्हें इसका भी ध्यान ना रहा कि वो सरोवर की गहराई में उतरती जा रही हैं, किंतु रुकना अब संभव नहीं था। उन्हें तो अपने गुरु के पास पहुंचना था और वो आगे बढ़ती ही चली गई। परंतु आज कोई बाधा उन्हें कहाँ रोक सकती थी? गुरुदेव, उठिए देवी संध्या। हे गुरुदेव, मेरा परिचय मांगे बिना ही आपने मुझे पहचान लिया। गुरुदेव, योग्यता को परिचय की आवश्यकता नहीं होती देवी। जिस प्रकार आप मुझे ढूंढ रही थी, उसी प्रकार मैं भी आपकी प्रतीक्षा में था। मेरी शिष्या बनने के लिए स्थान ग्रहण कीजिए देवी संध्या। हे गुरुदेव, शिष्या का मन गुरु से अधिक कौन समझ सकता है? मेरे मन में क्या है ये तो आपको भली भांति ज्ञात है। शिष्या के रूप में मुझे स्वीकार कर मेरे ज्ञान को जागृत करने की कृपा कीजिए। जिन गुरु वशिष्ठ ने उनका ज्ञान जागृत किया, उन्हें तप का ज्ञान दिया। देवी संध्या पर उनकी दिव्यता का प्रभाव हुए बिना कैसे रह सकता था? गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा ने उनके मन में एक और इच्छा को जन्म दिया, सदा गुरु के साथ रहने की इच्छा। उनके अथाह ज्ञान सागर से निरंतर ज्ञान की मूर्ति चुनते रहने की इच्छा, उनकी सेवा करने की इच्छा, उनकी शिष्या ही नहीं उनकी अर्धांगिनी बनने की इच्छा। तो क्या गुरु वशिष्ठ ने भी उन्हें स्वीकार किया? क्या उनके साथ देवी संध्या का विवाह भी संपन्न हुआ? माँ, नहीं पुत्र, उन्हें अपने मनचाहे वर को पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी थी। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ज्ञान प्राप्ति के क्रम में गुरु ने उन्हें इच्छा पूर्ति करने की तप विधि भी सिखाई, और देवी संध्या गुरु वशिष्ठ को अपने पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। ऋषि वशिष्ठ द्वारा बताए तपस्या के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अत्यंत कठोर तप किया, जिसमें पहले 6 दिनों तक अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया, और फिर प्रत्येक 3rd दिन ही कम मात्रा में 1 पत्र भर भोजन किया। भूमि पर ही अपनी शैया बिछाई, उसी पर विश्राम करने लगी। फिर देवी संध्या पूर्ण समर्पण के साथ अपनी तपस्या में लीन हो गई और अनेकों वर्षों तक तपस्या में लीन रही। फिर दिन हो या रात हो, ऋतुओं का कैसा भी आघात हो, उनके तपस्वी मन पर कोई घात नहीं लगा सका। वो निरंतर एकाग्र चित रहकर उसी में डूबी रही। अनेकों वर्षों के उनके इस तप के बाद स्वयं स्वामी श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए, उन्हें अपने दर्शन प्रदान किए।
ब्रह्म लोक को अपने तेज से प्रकाशित करने वाली कन्या ने इतना कठोर तप कर अपनी देह को कितना दुर्बल बना लिया है। उठिए देवी, आपकी तपस्या संपन्न हुई। मैं आपको दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी का वरदान देता हूं। प्रणाम प्रभु। देवी, मैं आपकी तपस्या और आपकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे वरदान के अतिरिक्त मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपने जिस इच्छा से ये अनुष्ठान किया है वो अवश्य पूर्ण होगा। आपको पत्नी रूप में ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा, किंतु इस जन्म में नहीं। इस जन्म में तो वो आपके गुरु हैं देवी, इसलिए उन्हें पति रूप में पाने के लिए आपको अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि ऐसा है प्रभु, तो मुझे अभी इसी क्षण अपने प्राण त्यागने की अनुमति दीजिए। यदि माता संध्या ने अपने जीवन का त्याग कर दिया तो फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ का सानिध्य कैसे प्राप्त किया माँ? गुरु का स्थान जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन को सार्थक बनाने के लिए धर्म, कर्म, ध्यान और ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। निकट ही ऋषि मेधातिथि का आश्रम, उनकी यज्ञ वेदी में यज्ञ अग्नि प्रज्वलित, उसी यज्ञ की अग्नि से आपको नवीन जीवन प्राप्त होगा। इसलिए तो उन्हें स्वयं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त। सौभाग्य किसका था, इसका निर्णय होना तो अभी शेष ही था।